आतंकवादी किसान पंजाब के लोग नहीं है, कंगना रनौत आतंकवादी है। कंगना रनौत इस समय किसान और हिंदू भाईचारे में बाढ़ बना चाहती है। सिख कौम को अतवादी दिखाना चाहती है। हम इस बात का इसे बहुत बड़ा विरोध करते हैं। जबकि देश 14 में आजाद हुआ ही नहीं, 1947 में माना जाता है, पर पंजाब के लोगों के लिए अब ये आजादी नहीं आई। अभी पंजाब के लोग ज्यों के त्यों गुलाम है। हम अपनी आवाज दिल्ली तक लेके नहीं जा सकते। दिल्ली में हमने जाने की कोशिश की, हम अपने हक मांगने के लिए किए गए, तो कंगना रनौत जैसे और भी कई लोग हैं जो किसानों को मेहनतकश लोगों को आतंकवादी बताकर वहां के रोके रखा हुआ है। अभी आतंकवादी लोग है, जबकि किसान पूरे भारत का इतिहास देखा जाए उसने कम से कम 90% से ज्यादा जो कुर्बानी दी है वो पंजाब के इस खित्ते ने दी है, धरती ने दी है। इस धरती ने इतना लहू बहाया है कि पंजाब भारत को आजादी मिली है। कंगना रनौत को 4 दिन एक्शन करके सोचती है कि मैंने आजादी ली, ऐसी आजादी नहीं मिलती, खून देना पड़ता है। हमारी जहाँ माताएं हैं, हमारी बहनाएं हैं, हमारे बड़े बड़े बुजुर्गों ने यहाँ पे बड़ा बड़ा खून की नदियां बहाई हैं, तभी यहाँ पे आजादी मिली है। हम ये चाहते हैं कि कंगना रनौत को इस्तीफा देना चाहिए। ऐसे हैं जो ऐसे लोग लोगों को बांटकर लोगों को तोड़कर राजनीति करना चाहते हैं, इनको कभी भी इलेक्शन में खड़ा नहीं होना देना चाहिए। आम भारतवासियों को भी अब आपके माध्यम के जरिए विनती है, ऐसे लोगों को कभी भी वोट की सपोर्ट मत करो जो देश को तोड़कर अपनी मनमर्जी कई गुंडागर्दी आतंकवादी फैला रहे हैं। आतंकवादी किसान पंजाब के लोग नहीं है,
कंगना रनौत आतंकवादी है। बीजेपी के लोग जो इस वेल सरकार चला रहे हैं वो आतंकवादी है। हमारी मांग यही है भी जो इमरजेंसी मूवी बनी है ना वो बिल्कुल देश को तोड़ने के लिए मूवी बनाई गई है। इस मूवी को सरकार को बैन करना चाहिए, जो सेंसर बोर्ड है उस पर प्रतिबंध ला के उसको पक्के तौर पर बंद कर दिया। ये मूवी चलनी नहीं चाहिए क्योंकि ये देश को तोड़ेगी मूवी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।